الله 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 आपको मालूम है एक सुबह का वक्त, साथ में बोलोगे अच्छा लगेगा, कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। एक साहबी आए, वो साहबी कद में छोटे हैं, कद समझते हो ना, हाइट में छोटे हैं, काले काले हैं, खानदान कोई ऊंचा नहीं है, पैसे वैसे दरवाजा के किनारे, सुबह सुबह का वक्त है, हमारे आकाश पास हमने दरवाजा खोला, हमारे नबी नाम जानते थे, वो छोटे कद के साहबी जिनकी उम्र होगी 25-27 साल, हाँ, और जो कद भी छोटा है, रंग भी काला है, और कोई ऊंचा खानदान नहीं है, कुछ पैसे वैसे, उनका नाम है जुलई बीब। साथ में बोलो क्या नाम है? जुलई बीब। हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं है। हमारे नबी पाक साथ में दरवाजा खोला और सीधा हमारे नबी की जुबान पर अस्सलाम वालेकुम या जुलई बीब। देखो हमारे नबी ने नाम याद रखा, वो साहबी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं अंदर आऊं, हमारे नबी ने फरमाया आओ आओ मेरे घर पर आओ। बोलो कौन आ गए? हजरत जुलई बीब। कद में छोटे, चेहरा रंग काला है, कोई ऊंचा खानदान नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं। आकर क्या सामान रोने लगे, हमारे नबी ने पूछा मायूब की का या जुलई बीब, हमारे नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे जुलई भी रो क्यों रहे हो? ए अजमत साहबा कान खोल से कान खोल कर सुने, हमारे नबी ने फरमा क्यों रोते हो? हजरत जुलई भी ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं एक सवाल पूछने आया हूँ और इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा निकाह होगा यानी, और साहब का अल्लाह के रसूल इसके बाद नहीं पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, अगर आप कह दो कि तेरा निकाह होने वाला तो मैं कोशिश करूं। इसलिए कि तकरीबन मदीना और मदीना के तमाम गांव में हर जगह पहुंचा, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मेरा खानदान ऊंचा नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं, मैं जंगल में लकड़े काटता हूं और बाजार में बेचता। अल्लाह के रसूल पूरे मदीने में घुमाया, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार? अच्छा एक बात बताओ, ये छोटा कद होना, काला होना, ये किसकी तरफ से? इसमें किसी को ताना देने की जरूरत? हम लोग बोलते ना तू ऐसा दिखता, तू ऐसा दिखता, हालांकि वो उसको नहीं कहता, बनाने वाला कौन है भाई? हमको काला किसने बनाया? अल्लाह। गोरा किसने बनाया? अल्लाह। अगर छोटा कद है तो किसने दिया? अल्लाह। लंबा कद है तो किसने दिया? अरे पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरा मा शाअ रक्कबक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुझे पैदा करने वाला बोलो कौन? अल्लाह ही। हमें सूरत देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें कलर देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें हाइट बॉडी देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। फरमा तो हजरत जुलई बीब ने, भाई वाक्य पर आ जाओ, कौन साहबी? हजरत क्या पूछ रहे? अल्लाह के रसूल एक ही मरतबा पूछूंगा, फिर नहीं पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? इसलिए कि मदीने की सारी लड़कियों को देखने गया, किसी बाप ने अपनी बेटी मेरे हवाले नहीं की क्योंकि मेरा शक्ल सूरत ऐसी। अल्लाह के रसूल आप बता दो शादी होगी नहीं होगी, आप मना कर दो नहीं होगी, आइंदा से किसी के दरवाजे पर जाने वाला? हमारे नबी ने देखा, जुलई बीब के आंसू देखे, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया एक काम करो, मदीने का फला मकान है, वहां जाओ और जाकर कह दो कि मोहम्मद ने भेजा है। क्या कह दो? मोहम्मद ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दे। तो वो हजरत जुलई बीब कहने लगे अल्लाह के रसूल कौन से मकान की बात कर रहे हो आप? हमारे नबी ने कहा वो मकान में शायद मैं होके आया, क्योंकि मदीने का कोई मकान बाकी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया जाओ जाओ और जाकर कहो, वहां जो घर में बड़े होंगे उनको कहो कि मोहम्मद ने भेजा है। ये रिश्ता किसने भेजा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा है। चलो वो साहबी, बोलो वो साहबी गए। ए मेरे महाराज नगर वालों, क्या अजब हाल होगा जब वो दरवाजे पर गए, हिम्मत ना हुई कि इतना बड़ा घर बना हुआ है, मदीने के किनारे पर है, ये अपनी लड़की मुझे देंगे, लेकिन हुक्म किनका था? अल्लाह के रसूल का। कहा चलो जाकर देखे तो सही, क्या होता? धीरे से दरवाजा खिटखिटाया। उस जमाने में ऐसा होता था, घर के बड़े ने दरवाजा खोला, कहा आओ आओ अंदर आओ। नाम पूछा तो कहा जुलई बीब। कहा कि कुछ काम से आए? तो कहा कि मोहम्मद ने भेजा है। तो वो घर के मालिक ने कहा अच्छा, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, कुछ मदद की जरूरत होगी, कुछ पैसों की जरूरत होगी? तो कहा नहीं, वो आपकी लड़की के साथ निकाह के वास्ते भेजा है। सच बताओ मेरे प्यारो, क्या वो जो घर के मालिक थे, कहा तुम्हारा नाम जुलई बीब, काम क्या करते? कहा जंगल में वो लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। का घर कहाँ है? तो बताया छोटा सा झोपड़ा है। खानदान कौन सा है? तो पता चला खानदान भी ऊंचा नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं है। वो घर के मालिक जो थे सुर्ख,
लाल हो गए, कहने लगे तुम यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आए? कहा मेरी अकलौती बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, फूल की तरह मैंने बेटी को बड़ा किया है, कभी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाए, कभी बेटी को हमने भूखा नहीं रखा, कभी बेटी को प्यासा नहीं रखा, कभी हमने बेटी को तड़पाया नहीं, और तुम मेरे घर चले आए? अपनी शक्ल सूरत तो देखे होते, मेरी खूबसूरत बेटी का हाथ मांगने आए? तो जुलेबी कहने लगे, मैं नहीं मांगने आया, मोहम्मद ने भेजा है। तो वो घर के मालिक क्या कहने लगे, अरे किसी ने भी भेजा हो मगर सोच समझ के आना चाहिए। ये कहकर कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। बोलो हजरत जुलेबी वहां से उठे और वहां से चले और बाहर निकलकर इतना रोए कि क्या जलील होने के लिए एक घर बाकी रह गया था, रुसवा होने के लिए एक घर बाकी रह गया था। ये रोते हुए जा रहे और ये जो घर के अंदर जो बड़े हैं वो बड़े नाराज हैं। इतने में बेटी आ रही है, बोलो कौन आ रही है? बेटी दूसरे कमरे में आई, आकर क्या पूछ रही है, अब्बा क्या किया आपने? देखो एक बेटी यहाँ, बेटी एक सहाबिया, एक औरत, एक लड़की। अगर अब्बा को कह दी, या बती ए मेरे अब्बा क्या किया, आज घर को जहन्नम बना दिया, हमारे घर को जहन्नम बना दिया। तो अब्बा ने कहा, बेटी कैसी बात करती हो, मैंने कौन सा जहन्नम बना दिया? अरे ऐसे लड़के रिश्ते के लिए आएंगे, ऐसे लड़के जिनका कद नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, हाइट नहीं, कलर नहीं, खानदान नहीं, ऐसे लड़के मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आएंगे। और गुस्से में उस अब्बा ने कहा, क्या मैं मेरी बेटी को ऐसे के हवाले कर दूंगा? वो बेटी ने कहा, अब्बा वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है आज घर को आपने जहन्नम बना दिया। अब्बा ने कहा, कैसे जहन्नम बना दिया? कहा, हम नमाज क्यों पढ़ते? वो बेटी कहती है, हम नमाज क्यों पढ़ते? हमारे नबी ने हमको बताया, हम ज़कात क्यों देते? हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया तो हमने ज़कात दी। हमने रोजे क्यों रखे? हमारे नबी ने हुक्म दिया तो हमने नमाज पढ़ी। हमारे नबी ने हुक्म दिया तो हमने रोजे रखे। हमारे नबी ने हुक्म दिया, हमने ज़कात दी। आज वही नबी एक लड़के को भेजते, अपनी बेटी का निकाह कराओ। आपने मना कर दिया तो नमाजों का क्या मतलब हुआ, रोजे का क्या मतलब हुआ? जिस नबी ने हमको नमाज पढ़ने का वही नबी रिश्ता भेज रहे, जिस नबी ने रोजा रखने का वही नबी रिश्ता भेज रहे, और आप मना कर रहे हो। सुनो वो बेटी की जबान, सब सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। वो बेटी ने कहा, या अबती अमा करा तकौल अल्लाह? कहा, अब्बा जान आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब्बा जान आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब्बा रोने लगे, कहने लगे, बेटी पढ़ा, तूने अगर कुरान पढ़ा तो मैंने भी कुरान पढ़ा। बेटी कहती है, कुरान पाक में एक आयत है। बेटी कह रही है अब्बा को, कुरान पाक में एक आयत है जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आए, अल्लाह का हुक्म आए, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मान लो, मानोगे तो जन्नती बनोगे, नहीं मानोगे तो जहन्नमी बनोगे। अब्बा ये तो कुरान में लिखा है, और आज आपने हमारे इतने अच्छे घर को जहन्नम बना दिया। हमारा ये घर, हमारी ये दीवार, हमारी ये छत, हमारी ये जमीन, हमारा खाना पीना सब जानना भी बना दिया। अब्बा भी घबराए हुए, कहते बेटी कुरान में क्या लिखा? बेटी पढ़ के सुनाती है, बोलो सुभान अल्लाह। बेटी पढ़ के सुनाती जो आज भी कुरान में पारा नंबर 22, बोलो पारा नंबर 22, रुकू नंबर 1 और 2 के बीच में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, वमा कान लिलमुमिनी वला मुमिना इजा कदा अल्लाह व रसूलुहु अमरा أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی اللہ کا قانون آ جائے نبی کا حکم آ جائے مان لو تو جنتی بن گئے نہ مانے تو آخری درجے کے جہنمی بن گئے. بیٹی نے پڑھ کر کہا ابا یہ گھر کو کیا بنا دیا ابا آج تک ہمارے گھر میں نماز نبی کا حکم قرآن نبی کا حکم روزہ نبی کا حکم اور آج وہی نبی کے حکم کو ٹال دیا گیا. ابا بھی گھبرائے کہنے لگے بیٹی کیا کرنا جاؤ ان کو بلا کے لو ان کو بلا کے لو حضرت جلائی بیب نام یاد رکھنا حضرت جلائی بیب. ابا کہتے ٹھیک ہے میرے دوستوں کتنے امیر گھرانے کے وہ صحابی اتنے بڑے بنگلے میں رہنے والے نکلے بازار میں جا رہے بھائی یہاں جلائی بی کو کوئی پہچانتے سب نے کہا نہیں پہچانتے ادھر گئے ادھر گئے معلوم نہیں مدینے کی گلی گلی کو چھانتے گئے کہاں ہے جلائی بی کہاں ہے جلائی بی کہاں کسی نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے کہا جلائی بی کہا جنگل کی طرف گئے جاؤ جنگل کی طرف جاؤ میرے پیارو سننا یہ صحابی خود فرماتے جب میں گیا اور جنگل کی طرف گیا میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے حضرت جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں. یہ کہتے میں گیا اور میں نے جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا جلیبی اے جلیبی السلام علیکم جلیبی السلام علیکم. کہتے جلیبی نے میری طرف دیکھا وعلیکم السلام کہا ابھی کچھ باقی ہے
अभी कुछ कहना बाकी है, जलील करके मुझे घर से निकाला, रुस्वा करके निकाला, अरे मुझे कह देते, मैं कह देते मंजूर नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कहने की क्या जरूरत थी। वो कहने लगे जुलेबी माफ कर दे, मैं निकाह के वास्ते राजी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, मैं शादी के वास्ते तैयार हो गया। तो हजरत जुले, अच्छा सच बताओ हजरत जुलेबी ने अच्छे कपड़े पहने होंगे वो? नहीं नहीं, बोलो ना, अच्छे कपड़े पहने होंगे? जंगल में बैठे थे, पसीना होगा, मैले कुचले कपड़े होंगे? आदत जुलेबी ने कहा मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मैं वो कहने लगे कुछ हो या ना हो, मोहम्मद की तरफ से रिश्ता आया है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जुलेबी के, अब जुलेबी को ऐसे कहा होगा, यानी दिल में ऐसे कहा होगा कि भेजने वाला, आने वाला चाहे कितना ही काला हो, कितना ही मान दो, बोलो आने वाला कितना ही काला हो, कितना ही मान दो, मगर भेजने वाला वो मोहम्मद है। मोहम्मद है जिनका चेहरा चौधरी का चांद है। भेजने वाले तो बहुत आला है, बस वो ले गए घर में, इसी हाल में ले गए। मेरे प्यारों वाकया पूरा नहीं होता। वो आदत जुलेबी आए घर में, आए, हाँ, उन्होंने अब्बा ने कहा लो इतने पैसे का मैंने तुम्हें मालिक बना दिया, मेरी बेटी को मेहर दे देना। और फिर अपने महल्ले वालों को बुलाया, वहीं पे निकाह शुरू हो गए। और बोलो निकाह हो गए, बोलो निकाह। अब सुनना, निकाह हो गए, लड़की को हवाले कर दिया, ले जाओ जुलेबी, ले जाओ जुलेबी। भी कहने लगे मैं लड़की को ले जाऊं? कहा ले जाओ, मोहम्मद ने जो रिश्ता भेजा है उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, लेकर जाओ। उसी वक्त में मेरे प्यारों जुलेबी का आना, एक आध घंटे में घर पहुंचना, निकाह का होना, और जुलेबी वो उनकी बेटी को लेकर। अब सुनना, तीन दिन गुजर गए, कितने दिन गुजर गए? वो तो आदत जुलेबी बाजार में जा रहे, बोलो आदत जुलेबी बाजार में जा रहे, और लकड़े का घट्टा उठाए हुए बाजार में जा रहे। सामने से हमारे नबी आए, तो हमारे नबी को ख्याल आया कि यही तो वो जुलेबी है जिनको तीन दिन पहले मैंने रिश्ते के लिए भेजा था। तो हमारे नबी ने खुद आवाज दी, जुलेबी भाई बड़ा बाजार का जुलेबी। तो जुलेबी आए, अल्लाह के रसूल हाजिर होता हुआ। हाँ, वो क्या हुआ? वो रिश्ते के लिए मैंने तुमको भेजा था, क्या हुआ? कहो तो हो गए, निकाह हो गए। सच बताओ हमारे यहाँ ऐसे निकाह होंगे? अरे होंगे, हाँ, बल्कि कितने लोग नाराज हो जाएंगे, हमको दावत में नहीं बुलाया, हमको निकाह का कार्ड नहीं दिया, हमको निकाह का इनविटेशन नहीं दिया, हम क्या गाँव में नहीं थे, हम क्या मर गए थे? देखो हमारे नबी को, हमारे नबी पूछ रहे जुलेबी वो तीन दिन पहले निकाह के वास्ते गए थे, क्या हुआ? हजरत जुलेबी ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो हो गया निकाह, लड़की तो हमारे घर भी आ गई। ए कुर्बान जाओ, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फरमाया बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर, अरे अल्लाह तुम दोनों को बरकत देवे और बहुत बहुत भलाई तुमको देवे। बोलो सुभान अल्लाह। नाराज हुए हमारे नबी, फिर हमारे नबी जुलेबी से बात करने लगे, कैसा हुआ निकाह, कैसे हो गया? जुलेबी ने कहा वो तो जिनके पास तुमने भेजा था वो तो बहुत गुस्से हो गए थे, मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो जंगल में जाके बैठा था, वो तो जो मेरी बीवी बनी ना, अब तो इनकी बीवी बन गई ना, जो बीवी बनी ना उनकी बेटी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद का हुक्म है, ठुकराओगे तो नहीं चलेगा, ये जहन्नम वाला घर बन जाएगा। ए सुनो, हमारे नबी को इतना प्यार आया, बोलो सुभान अल्लाह। जितने बाजार में खड़े थे ना, हमारे नबी ने सबको कहा आ जाओ, जुलेबी की बात सुनो। आज एक लड़की अपने अब्बा को समझाती है कि नबी का कानून तोड़ोगे तो जहन्नम में जाओगे और नबी के कानून पे अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। हमारे नबी ने बाजार वालों को जमा किया और दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या दुआ मांगी? जो दुआ मांगी ना हमारे नबी ने, उसी वक्त दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जल्लब अलैहा खैरा वला तलक्का लुद्दा। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह वो लड़की ने निकाह मेरे कहने पर कर दिया, जुलेबी के साथ किया। ये जुलेबी के पास पैसे भी नहीं, अनाज भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर कहा ए अल्लाह वो लड़की ने मेरे हुक्म को माना है, इसके घर को माल और दौलत से भर दे। बोलो सुभान अल्लाह। और लड़की की जिंदगी में कभी कड़वाहट आने मत देना। मेरे प्यारों, हमारे नबी की दुआ, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, आसमानों पर कबूल हुई। एक लंबा जमाना गुजर गया, हजरत जुलेबीब का नाम मदीने के अमीरों में जुलेबीब का नाम आ गया। मदीने के जो बड़े बड़े अमीर होते थे, मालदार होते थे, उनका जब नाम लिया जाता था, हजरत जुलेबीब का भी नाम लिया जाता था। लेकिन मेरे प्यारों, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने इनको हिम्मत दी थी, क्या ईमान दिया था? बोलो ना, अब हजरत जुलेबी का अपना घर है, बोलो अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। अरे मदीने के बड़े बड़े मालदारों की कॉन्फ्रेंस होए, उसमें हजरत जुलेबी भी आते थे, अपने बिजनेस की बातें करते थे, बड़े मालदारों में हजरत जुलेबी थे। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे नबी का ऐलान हुआ, चलो मैदान में। बोलो हमारे नबी का ऐलान हुआ, साथ में बोलो चलो
मैदान में, एक रिवायत के मुताबिक उहद का मैदान, एक रिवायत के मुताबिक कोई और मैदान। हमारे नबी का ऐलान होता है, साबिकु इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ऐलान फरमाते, चलो उहद मैदान में चलो, आज अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत देगा। पूरे मदीने में ऐलान हो रहा है, कौन से मैदान में जाना है? उहद। किनके कान में आवाज आई? हजरत जुलैबी। हजरत जुलैबी दौड़े दौड़े अपने घर गए, अपने घर जाकर अपनी बीवी, भाई आदत होती ना, अपने घर गए, अपनी बीवी को कहा, नबी का ऐलान हो रहे, हमारे नबी ऐलान कर रहे, उहद मैदान में बुला रहे, अपनी बीवी से पूछ रहे, तेरी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। बीवी क्या जवाब देती है? जब मेरे नबी ने तुम्हें रिश्ते के लिए भेजा था, मैंने किसी की इजाजत ली थी? मैंने किसी को पूछा था? नबी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। वो औरत कहती है, जुलैबी काश मुझे पूछने ना आते, वहीं से चले जाते, जहां से नबी की आवाज आई है, इसलिए कि नबी के कहने पे जन्नत है और ना मानने पर जहन्नम है। जाओ, चले जाओ, अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। मेरे दोस्तों, हजरत जुलैबी जो जज्बे के साथ गए, ईमान के साथ गए, इस्लाम के साथ गए, कैफियत एहसान के साथ गए कि उहद मैदान मुकम्मल। बोलो उहद मैदान। और आपको मालूम है, उहद मैदान में बहुत से सहाबा शहीद हो गए, हमारे नबी बैठे थे, और एक जबान पर, हमारे नबी की जबान पर एक बात थी, बिलाल बिलाल देखो ना कितने सहाबा शहीद हो गए, देखो ना कितने सहाबा शहीद हो गए। बिलाल आके खबर देते, ये सहाबी शहीद हो गए, ये सहाबी शहीद हो गए, ये सहाबी शहीद हो गए, एक एक नाम लेकर बताते, हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश शहीद हो गए, हजरत मुसअब शहीद हो गए, और नाम लेकर जा रहे। जब सारे नाम ले लिए, हमारे नबी ने फरमाया, बकिया वाहिद, एक बाकी है, नाम क्यों नहीं लेते बिलाल? हजरत बिलाल कहते, मैंने चारों तरफ देखा और अल्लाह के रसूल में अकेला नहीं, ये सहाबा की जमात है, सब लोग चारों तरफ गए, कोई भी जनाजा बाकी नहीं है, सारे सहाबा के जनाजा लग गए, कोई भी बाकी नहीं। हमारे नबी ने कहा, वल्लाही बकिया वाहिद, हमारे नबी ने कहा, अल्लाह की कसम एक बाकी है, मेरे अल्लाह कहते एक बाकी है। तो सारे सहाबा फिर गए, ओए जहां दुश्मनों का लश्कर खड़ा था, वहां हजरत जुलैबी की लाश मुबारक पड़ी हुई थी। और मेरे प्यारों, जिन्होंने लाश देखी, जनाजा मुबारक देखा, फरमाते पेशानी से लेकर पेट तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए थे। हजरत जो फौरन साहब आए, कहा, अल्लाह के रसूल आपकी बात बराबर है, एक बाकी है, वो जुलैबी का जनाजा मुबारक वहां रखा हुआ है। साहबा ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल हम यहाँ लेकर आते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, नहीं, रोते रोते फरमाया, नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, आज जुलैबी के जनाजे को कोई लेकर नहीं आएगा, खुद मोहम्मद अपने कंधे पर उठा कर लेकर आएगा। हमारे नबी गए अपने कंधे मुबारक पर, बोलो ना, हजरत जुलैबी के जनाजे मुबारक को उठाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और हमारे नबी ने फरमाया, जुलैबी में कितने अरमानों के साथ मेरे पास आए थे, कितने अरमानों के साथ इन्होंने शादी की थी, कितने अरमानों के साथ मैंने इनको दुआ दी थी, कितने अरमानों के साथ इन्होंने अपना कारोबार जमाया था, आज मेरे हुक्म पर ये आ गए। मेरे प्यारो जब हजरत जुलैबी का जनाजा रखा गया, बोलो कहाँ रखा गया? कब्र में रखा गया। सारे सहाबा खड़े थे, हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, या जुलैबीब अंत मिन्नी व अना मिनका, ए जुलैबीब, अल्लाह की कसम, तू मेरा हो गया, आज से मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, आज से मैं तेरा हो गया। इतने सहाबा खड़े, कहने लगे, काश अल्लाह के रसूल जुलैबीब की जगह हम होते। हमारे नबी ने फरमाया, ये तो जन्नती बन गए, इससे बढ़कर अल्लाह ने इनकी बीवी को जन्नती बना दिया है। मेरे प्यारो, ये वाकया मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? वो सहाबा थे, याजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस रखना बहुत आसान, अरे मेरे जैसे नालायक का बोलना बहुत आसान, आप जैसे हिम्मत वालों का सुनना बहुत आसान, याजमत सहाबा है। मेरे प्यारो, आज कोई तो हो, मैं नहीं कहता जुलैबीब की तरह इतनी बड़ी कुर्बानी दे, जुलैबीब की बीवी की तरह इतनी बड़ी कुर्बानी दे, कम अज कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़े। मेरे दोस्तों, कौन कौन तैयार है? एक साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, यानी जो सहाबा ने फरमाया था, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे।